My name is Riya Siddiqui and you're watching Inside Reaction. आज हमारे पास एक बहुत ही मजे का गाना है, एक क्या ही साउंड ट्रैक है, एनिमल मूवी, जैसे कि मैंने उसका रिव्यू भी दिया था, रिव्यू ट्रेलर का दिया था, अभी मूवी नहीं आई है, अभी ट्रेलर आया तो उसका रिव्यू दिया था, कुछ रिएक्शन दिया था, और अब हम उसका एक गाना है, सतरंगी नाम है गाने का, तो अभी हम वो गाना सुनते हैं और बात करते हैं। जी रश्मिका है, रणबीर कपूर है, तो मूवी तो पता है कि वो कितने मजे की है और आप जाके देख सकते हैं उस रिएक्शन प्लस रिव्यू वीडियो को जो हमने ट्रेलर पे दिया है। बट टुडे हम इसके गाने पे बात करेंगे और देखते हैं गाना, तो लेट्स स्टार्ट। माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे, रख लूं बेज़ख्म बना सारे सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के, शादी मत करना।
दिसंबर को आ रही है एनिमल, और जो गाना है सतरंगा, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अच्छा मुझे ना रणबीर कपूर की सबसे फर्स्ट जो सबसे अच्छी उसकी केमिस्ट्री लगी थी मुझे दीपिका पादुकोण के साथ लगी थी, बट अब सेकंड अगर मैं बात करूँ इवन श्रद्धा कपूर के साथ मूवीज आई हैं, और आई थिंक हर एक्ट्रेस के साथ मूवी आई है, आलिया के साथ आई है, उसके साथ वो क्या नाम था उसका रॉक स्टार में, उनके साथ मूवी आई है, हर एक्ट्रेस के साथ मूवी आई हुई है, बट दीपिका के बाद अगर मुझे कोई ऐसा लगा है पेयर रणबीर कपूर के साथ कि कोई लीडिंग एक्ट्रेस जो यू नो जो एक कपल लग रही है, यानी कि उनमें एक केमिस्ट्री लग रही है, वो आई थिंक ये है रश्मिका मंधाना, ये बहुत प्यारी लग रही है। और जो पूरे लुक्स थे जो उनके शक्ल पे यू नो एक सीरियस लुक था, जो वो पीछे बैठी हुई थी पोकर फेस बनाया हुआ था, यार एक्ट्रेस है वो, कोई एक्ट्रेस है इतनी मतलब अच्छी एक्टिंग करती है, परफॉर्मर है रश्मिका, परफॉर्मर है, और रणबीर कपूर तो है ही कि वो रोमांटिक और इस तरह की कमर्शियल मूवीज़ भी कर लेते हैं और हर तरह की मूवीज़ कर लेते हैं, क्या एक्टर है रणबीर कपूर, जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाए आस पास रणबीर कपूर के, लेकिन जब एक्टर की बात होती है तो रणबीर कपूर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक कहेंगे कि टैलेंटेड एक्टर है बॉलीवुड में। और यार क्या गाना था, क्या ब्यूटीफुल मेलोडी थी, और बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा प्यारा सा ही गाना बनाया हुआ। इसके अलावा एक और गाना है कैसे हुआ, वो मैंने अभी तक मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हाइप सुनी है बट मैंने अभी तक वो सुना नहीं है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसा हुआ की वीडियो आ जाएगी। और ये गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसको मैं रेट करूँगी, मतलब सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। अच्छा वो जो सीन था ना जिसमें वो बेड पे बैठी हुई थी और वो नीचे बैठा हुआ था और उसका पैर लेके बैठा हुआ था, यानी कि ऑफ कोर्स ही इज रिग्रेटिंग समथिंग, कुछ तो उसने किया है, कुछ तो उसने मतलब हैंड किया है जिसकी वजह से अब वो ये गिल्ट फील कर रहा है, तो वो सीन इतना प्यारा था, पूरी सिनेमेटोग्राफी, पूरे जो शॉट्स लिए गए थे वो क्या कपल लग रहा है, ब्यूटीफुल कपल, और बेबीज दिखाए गए हैं, तो एक तो बेबी बहुत ही प्यारा उनका लग रहा था जिसके फेस ना एक लुक आया था वो बहुत क्यूट लग रहा था, तो अच्छा गाना बनाया इन्होंने और ट्रैक बहुत मज़े का है। सिंगर कौन है, सिंगर देख लेते हैं, सिंगर कौन है, अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह ने गाया है, तो ऑफकोर्स गाना तो अच्छा हो गई। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी टाइगर के, जब सॉन्ग्स आएंगे या फिर अभी जो न्यू जितने भी ट्रेलर्स आएंगे उन पे बात होगी, उन पे रिएक्शन आएगा, सॉन्ग्स पे रिएक्शंस आएंगे, और 19 को आ रही है टाइगर 3, तो उसका मुझे बहुत इंतज़ार है, जैसे ही टाइगर 3 रिलीज़ होगी मैंने वो देख लेनी है और मैंने उस पे रिव्यू देना है, ठीक है। तो मूवीज़ पे रिव्यूज़ आएंगे, सॉन्ग्स पे आएंगे और ट्रेलर्स पे आएंगे, आप देखते रहे इनसाइड रिएक्शंस, क्योंकि इस पे हर तरह का रिएक्शन मौजूद है, चाहे वो वीडियोज़ हो, सॉन्ग वीडियोज़ हो, कुछ भी हो, रिएक्शन आप तक आ जाएगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।